हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 12 इंग्लिश बुक फिशर्स का चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है ऑन द फेस ऑफ इट। आज की इस वीडियो में मैं आपको 20 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बताऊंगा। ये एमसीक्यू आपके आने वाले एग्जाम के लिए श्योर है कि आपको मदद करेगी। तो चलो फिर देखते हैं वो 20 एमसीक्यू क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ द चैप्टर ऑन द फेस ऑफ इट। ऑन द फेस ऑफ इट चैप्टर का लेखक कौन है? ऑप्शन हैं सुसेन हिल, सुसेन उपदायक, सुसेन शर्मा, नॉन ऑफ दीज। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सुसेन हिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज डैडी, डैडी कौन है? ऑप्शन हैं ए 14 इयर्स ओल्ड बॉय, ए 12 इयर्स ओल्ड बॉय, ए 10 इयर्स ओल्ड बॉय, नॉन ऑफ दीज। इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ए 14 इयर्स ओल्ड बॉय। डैडी एक 14 साल का लड़का था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज मिस्टर लैम, मिस्टर लैम कौन है? ऑप्शन हैं एन ओल्ड मैन विद अ टिन लेग, एक बूढ़ा व्यक्ति जिसका एक पैर टिन का था, अ यंग मैन विद अ टिन लेग, एक यंग आदमी जिसका एक पैर टिन का है, अ मिडिल एज्ड मैन विद अ टिन लेग, एक मिडिल एज का व्यक्ति जिसका एक पैर टिन का है, ए मैन विद वुडन लेग, एक व्यक्ति जिसका एक पैर लकड़ी का है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एन ओल्ड मैन विद अ टिन लेग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डिड डेरी बर्न हिज फेस, डेरी अपना चेहरा कैसे जला लेता है? ऑप्शन हैं इन ए फायर, आग से, बाय क्रैकर्स, पटाखों से, हॉट वाटर या गर्म पानी से, एसिड बर्न हिज फेस, या फिर एसिड के कारण डेरी का फेस जल जाता है। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एसिड बर्न हिज फेस, एसिड के कारण डेरी का फेस जल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड डेरी इंटर लैम्प्स गार्डन, मिस्टर लैम्प का गार्डन डेरी किस तरह से घुसता है? ऑप्शन हैं बाय जंपिंग फ्रॉम अ ट्री, एक पेड़ से जंप मार के, बाय ओपनिंग द डोर, दरवाजे को खोल करके, बाय जंपिंग फ्रॉम द बाउंड्री वॉल, या फिर बाउंड्री के वॉल को जंप करके, नॉन ऑफ दीज। इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बाय जंपिंग फ्रॉम द बाउंड्री वॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड डेरी गो टू मिस्टर लैम्प्स गार्डन, डेरी मिस्टर लैम्प्स का गार्डन क्यों जाता है? ऑप्शन से टू स्टील एप्पल्स, सेव चोरी करने के लिए, टू स्पीक टू मिस्टर लैम्प, मिस्टर लैम्प से बातें करने के लिए, टू हेल्प द ओल्ड मैन, मिस्टर लैम्प जो कि एक बूढ़ा व्यक्ति था उसको मदद करने के लिए, टू फिल दैट प्लेस, या फिर मिस्टर लैम्प के गार्डन को फिल करने के लिए। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड द चिल्ड्रन यूज्ड टू कॉल मिस्टर लैम्प, मिस्टर लैम्प को बच्चे लोग किस नाम से बुलाया करते थे? ऑप्शन से लैम्बी लैम्प, लंगड़े लैम्प कहकर, मोटे लैम्प, बुढ़े लैम्प, नॉन ऑफ दीज। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लैम्बी लैम्प, लंगड़े लैम्प कहकर बच्चे लोग मिस्टर लैम्प को बुलाया करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वर डेरी एंड मिस्टर लैम्प विक्टिम्स ऑफ, डेरी और मिस्टर लैम्प किस चीज का शिकार थे? ऑप्शन से फिजिकल इम्पेयरमेंट, शारीरिक रूप से किसी विकलांगता के कारण, विजन इम्पेयरमेंट, या फिर उनके आंखों की रोशनी नहीं थी, वार, या फिर युद्ध के शिकार थे, नॉन ऑफ दीज। इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड मिस्टर लैम्प कीप द डोर ऑफ हिज गार्डन ऑलवेज ओपन, मिस्टर लैम्प अपने गार्डन के दरवाजे को हमेशा ओपन रखता था, क्यों? ऑप्शन से टू कीप एन आई ओवर हिज गार्डन, अपने गार्डन को निगरानी करने के लिए, बिकॉज द डोर वॉज ब्रोकन, क्योंकि उसके गार्डन के दरवाजे टूटे हुए थे, टू अलाउ चिल्ड्रंस टू इंटर हिज गार्डन, गार्डन में बच्चे को प्रवेश देने के लिए, नॉन ऑफ दीज। इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टू अलाउ चिल्ड्रंस टू इंटर हिज गार्डन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डजंट मिस्टर लैम्प फील हर्ट बाय चिल्ड्रंस कमेंट, बच्चे लोग जब मिस्टर लैम्प को लैमी लैम्प कहकर बुलाते थे लेकिन फिर भी उसको कोई कष्ट नहीं होता था, ऐसा क्यों? बिकॉज ही हैड लॉस्ट हिज वन लेग एंड इट शुड सीम, क्योंकि वो अपना एक पैर खो दिया था और ये नाम उसको सूट कर रहा था जिसके कारण से उसको कोई दुख नहीं होता है। बिकॉज ही लाइक टू कॉल्ड लैमी लैम्प बाई चिल्ड्रंस, क्योंकि बच्चों के द्वारा
उसको लेम्बिलम बुलाया जाना अच्छा लगता था, बिकॉज ही वॉन्ट्स चिल्ड्रन वुड प्ले इन हिज गार्डन, क्योंकि वो चाहता था कि बच्चे लोग गार्डन में खेलते रहें, क्योंकि वो चाहता था कि बच्चे लोग गार्डन में आए और गार्डन में खेले। ऑल ऑफ दीज या फिर इनमें से सभी, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। हाउ डज मिस्टर लैम कीप हिमसेल्फ बिजी, मिस्टर लैम अपने आप को किस तरह से बिजी रखता था? ऑप्शन से बाय रीडिंग बुक्स, किताबों को पढ़ करके, बाय चैटिंग विद पीपल्स, लोगों से बात करके, बाय पुलिंग डाउन द राइप कैप एप्पल्स इन हिज गार्डन, या फिर अपने गार्डन से पके हुए एप्पल को तोड़ तोड़ के। ऑल ऑफ दीज, इनमें से सभी, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड डेरी शेयर हिज फियर विद मिस्टर लैम, डेरी अपने डर मिस्टर लैम के साथ शेयर क्यों करता है? ऑप्शन से बिकॉज डेरी फील्ड लैम वॉज अ गुड मैन, क्योंकि डेरी को लगता है मिस्टर लैम एक अच्छा आदमी था। बिकॉज डेरी फील्ड लैम वॉज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, क्योंकि डेरी को लगता है मिस्टर लैम दूसरों से अलग है। बिकॉज पॉज फॉर फिजिकली इम्पेयर्ड, क्योंकि दोनों के दोनों शारीरिक रूप से किसी तरह से विकलांग थे। ऑल ऑफ दीज, इनमें से सभी, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड मिस्टर लैम पिक एप्पल्स, मिस्टर लैम एप्पल्स कैसे तोड़ता था? ऑप्शन से बेंडिंग डाउन द ब्रांच, ब्रांच को झुका करके, विद द हेल्प ऑफ हिज सर्वेंट, अपने सर्वेंट की सहायता से, विद द हेल्प ऑफ चिल्ड्रंस, बच्चों की सहायता से, यूजिंग अ लेडर एंड स्टिक, एक सीढ़ी और एक स्टिक की मदद से। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड डेरी थिंक हिमसेल्फ अ अगली बॉय, डेरी को क्यों लगता है कि वो दूसरे लड़कों से अलग है और वो दिखने में अच्छा नहीं लगता? ऑप्शन से बिकॉज हिज नोज वॉज स्लाइटली बेंट, क्योंकि उसका नोज स्लाइटली झुकी हुई थी। बिकॉज ही कुडंट स्पीक लाइक अदर्स, क्योंकि दूसरे की तरह नहीं बोल पाता था। बिकॉज ही हैज बर्न्ट फेस, क्योंकि उसका चेहरा जला हुआ था। नॉन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिकॉज ही हैज बर्न्ट फेस। विच स्टोरी डिड मिस्टर लैम नैरेट टू डेरी, मिस्टर लैम डेरी को कौन सा कहानी सुनाता है? ऑप्शन से द स्नोमैन, द ड्वार्फ मैन, द ब्यूटी ऑफ द बीस्ट, नॉन ऑफ दीज, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, द ब्यूटी ऑफ द बीस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड डेरी लर्न फ्रॉम द फेरी टेल, उस कहानी से डेरी को क्या शिक्षा मिलता है? ऑप्शन से हाउ टू लुक ब्यूटीफुल, हाउ टू मेक फ्रेंड्स, लर्न टू लव एंड अप्रिशिएट हिमसेल्फ, ऑल ऑफ दीज, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट स्पेसिफिक थिंग्स अबाउट मिस्टर लैम डज डेरी नोटिस, डेरी मिस्टर लैम के ऊपर कौन से खास चीज को नोटिस करता है? ऑप्शन से ए मैन विद डिसेबिलिटीज कैन लिव नॉर्मल लाइफ, एक आदमी विकलांगता के साथ भी नॉर्मल लाइफ को जी सकता है। ऑलवेज रिमेन्स हैप्पी इन स्पाइट ऑफ हिज डिसेबिलिटीज, विकलांगता के बावजूद भी वो हमेशा खुश रहता है। लैम हैड पॉजिटिव आउटलुक, ऑल ऑफ दिस, इनमें से सभी, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड मिस्टर लैम डाई, मिस्टर लैम कैसे मरता है? ऑप्शन से फॉलिंग फ्रॉम द लेडर, सीढ़ी से गिर करके, फॉलिंग ऑन द रोड, रोड पे गिर करके, फॉलिंग फ्रॉम अ मैंगो ट्री, एक आम के पेड़ से गिर करके, नॉन ऑफ दिस, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फॉलिंग फ्रॉम द लेडर, सीढ़ी से गिर करके इसकी मौत हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, What does this lesson teach us? ये लेसन हमें क्या सिखाती है? ऑप्शन से We should never make comment on people with disability. हमें वैसे लोग पर कमेंट नहीं करने चाहिए जो लोग किसी तरह से विकलांग होते हैं। People with physical impaired wants same respect as others. We should always help physically impaired people. हमें हमेशा ऐसे लोगों की मदद करनी चाहिए। All of these, इनमें सभी, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, All of these.